दूल्हे की नाक कौन खींचेगा? वो रसम तो सास करती है। सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। अरे नहीं नहीं मिस्टी, बहुत अच्छा किया जो आपने याद दिला दिया। अब रस्म है तो करना तो पड़ेगा ही, और अगर अभी मैंने नाक नहीं खिंचवाई तो नायरा आगे चल के मेरे कान जरूर खींचेगी। सर प्लीज थोड़ा धीरे से खींचना सर, अगर नाक लाल हो गई तो पूरी शादी में जोकर बन के घूमूंगा। चलिए अब ये रस्म पूरी कीजिए। ये कुछ ज्यादा ही ऊंचा नहीं है? आपकी बहन की शादी मुझसे हो रही है, किसी सीढ़ी से नहीं। सही कह रहे हैं किट्टू, कुछ ज्यादा ही ऊपर लगाया आपने। देखो मेरी बहन को लेने आया, मैं भी तो देखूं कि उसे प्यार करते हो भी कि नहीं, और उसके लिए क्या क्या कर सकते हो। अच्छा तो ये बात है, फिर तो देखिए। चल कमन करते भैया भैया भैया। मत सो यार, नीचे कर दो ना। पापा प्लीज आप उनकी साइड मत लीजिए। हाँ करते मामा जी, आकर खुलेंगे, हमारा डिपार्टमेंट है। हाँ हाँ ले लो मजे, कोई बात नहीं। समय समय परेशान करने का नहीं, मस्ती करने का इरादा था। चल हो जा शुरू। और थोड़ी कम दिखाओ चुनू मंगू, तब लड़के वाले बने ना खाके फेंक दूंगी यहाँ से, समझे? बचपन की कहानी सच हो गई मंगू, मेंढक अपनी प्रिंसेस को लेने आ गया है। इतने सारे साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला, और अभी भी तो टाइम कितना जल्दी जल्दी जा रहा है। बस अभी कोई वरमाला के लिए बुलाने आ जाएगा, उसके बाद फेरे फिर विदाई। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या उदास। एक्साइटेड? ऑफ कोर्स, पर क्या है ये, अच्छी भली यहाँ खड़ी थी जब मैं आया था, फिर उसे अंदर भेज दिया, अब फिर बाहर बुलाएंगे। अरे एक ही बार बुलाकर मेरे पास बिठा दो ना, फिर चाहे जितनी रस्में करवा लो मैं उफ तक नहीं करूंगा। Obviously, क्यों करोगे उफ तुम? फिर तो पूरी लाइफ शादी चलती रहे और वो बस सामने बैठी रहनी चाहिए, है ना? है ना? है ना? माँ आप लोग जाकर नायरा को ले आइए। नहीं नैतिक, तुम जाओगे, तुम और नक्श जाओ और अपनी प्रिंसेस को लेकर आओ। हाँ बेटा, आप पिता है, आपका हक सबसे ज्यादा है, जाइए और लेकर आइए अपनी बिटिया को और सौंप दीजिए हमारे किट्टू को हमारी बहू। ये घबराहट जो मुझे हो रही है, ये सबको होती है क्या मम्मा? आपको तो हुई होगी ना, क्योंकि आप तो पापा को जानते नहीं थे, पर मैं तो कार्तिक को जानती हूँ। फिर भी क्यों अजीब सा डर लग रहा है मुझे, कहीं ये उस चैलेंज की वजह से तो नहीं है जो कार्तिक ने मुझे दिया है? वो भी कितना पागल है ना मम्मा। थोड़ी गलती तो शायद मेरी भी है, मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था ना, लेकिन अब क्या करूं, मना कर दूं क्या? नहीं नहीं,
बेइज्जती हो जाएगी। पर फिर करूं क्या? भाई को बुलाओ, उनसे पूछो। आप होती तो सब कुछ इतना इजी होता ना मम्मा, कोई टेंशन की बात ही नहीं होती। प्रिंसेस चल, समय हो गया। आप मुझे लेने आए हैं पापा? हाँ बेटा, तुम रेडी हो ना? रेडियो। काश मैं भी ये बात कह पाता। बहुत समझा रहा हूं खुद को, फिर भी आई एम सॉरी बेटा, पर सच बात यही है, बाहर से चाहे कितना भी रेडी हो, अंदर से कोई भी बाप इस दिन के लिए अपने आप को रेडी नहीं कर पाता। मेरी दुल्हन कितनी ब्यूटीफुल है। थैंक यू कृष्णा जी, नायरा को मेरी लाइफ में भेजने के लिए। क्या मन कर रहा है मैं? वही जो मेरा कर रहा है। और वो क्या? ये सबको भूल के तुम्हें जोर से पकड़ के हक कर दूँ और किक कर दूँ। कमाल है,
अभी तो मैडम बीवी बनी नहीं है और अभी से सब पता चल गया। गुड, पर मुझे तो अभी से टेंशन हो रही। टेंशन किस बात की? शादी के बाद अगर तुमसे झूठ बोलकर मैच देखने गया तो तुम्हें तो पता चल जाएगा, या फिर किसी और लड़की से फ्लर्ट किया तो भी पता चल जाएगा। अरे अगर टेंशन ही लेनी है तो इस बात की लो ना कि अगर मैं वही सब करूंगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। ये क्या किट्टू, छी क्यों किया? नहीं दादी, चीख 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 आ रही तो। हे भगवान, शुभ काम में चीख का क्या काम है? रोक उसे, रोक। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।